नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम की राजस्थान चुनाव यात्रा। आज राजस्थान में मतदान है और आप देख रहे हैं इस समय मैं मौजूद हूं हनुमानगढ़ जिले के सबसे बड़े गांव फेफाना में। ये नौर विधानसभा क्षेत्र का गांव है जहां आज सुबह 8 बजे से ही लंबी कतारें हैं मतदान की, वो लग गई हैं। एक तरफ महिलाएँ हैं, एक तरफ पुरुष हैं। सबसे बड़ा गाँव है ये और इस गाँव के 10,844 मतदाता है। यहाँ एक जागरूक व्यक्ति ने हमें बताया, एक सज्जन ने, कि 10,844 मतदाता है इस गांव के और मृतकों की संख्या अगर घटा दी जाए तो 10,830 वोट इस गांव के हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव है इस हनुमानगढ़ जिले के सबसे बड़े गांव में चल रहा है। नौर विधानसभा क्षेत्र का ये गाँव है फेफाना। और एक बात और भी इस गांव की खास है कि कुंभाराम आर्य जो कि एक किसान नेता थे, उनका ये गांव है, उनकी ये धरती है। इस गांव में उन्होंने पैदा हुए और कुंभाराम आर्य के गांव, इस गांव में सबसे बड़ा गांव है ये हनुमानगढ़ जिले का, जहां शांतिपूर्ण मतदान है, वो प्रक्रिया है वो चल रही है। सुबह 8 बजे से जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में, चूँकि सबसे बड़ा गाँव है ये हनुमानगढ़ जिले का, तो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं मतदाता हैं वो जुट गए हैं मतदान केंद्र में। करीब इस गाँव के वोटर की संख्या के लिहाज से देखते हुए जो मतदान केंद्र हैं, अलग अलग मतदान केंद्र हैं यहाँ बनाए गए हैं। और ये जो बालिका विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसको कह सकते हैं, कि जहाँ मतदान है वो चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई हैं, लगातार जो टीमें हैं निर्वाचन आयोग की वो भी आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी जो अलग से जो बटालियन है वो यहाँ इस स्कूल में लगाई गई है। सबसे बड़ा गांव है ये, कुंभाराम आर्य जो किसान नेता हैं उनका गांव है ये, सबसे बड़ा गांव है और इस गांव में उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। एक बात और भी खास है कि इस इलाका, ये जो इलाका है, खास करके इस इलाके में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो सिंचाई पानी की है। और उसी को लेकर के जो इस इलाके में खास करके नौर विधानसभा क्षेत्र है जिला हनुमानगढ़ में, कुंभाराम आर्य लिफ्ट जो सिंचाई परियोजना है वो भी उनके नाम से है लगाई गई है। ये उन्हीं का गाँव है और करीब 30,000 की आबादी वाले इस सबसे बड़े गाँव में आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो प्रक्रिया है वो चल रही है। सुबह 7 बजे से ही जो लोग हैं खास करके इस गांव के मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ है उसके आगे जुट गए थे और 8 बजे जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोग हैं और उसमें से अधिकतर लोग जो हैं कई बार मतदान है वो कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मतदान भी एक उत्सव है लोकतंत्र का। और आज राजस्थान में करीब 200 हलकों में, ये कह सकते हैं कि 200 सीटों पर मतदान है वो हो रहा है। और राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं जिनमें मतदान प्रक्रिया है आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ ज़िले के सबसे बड़े गांव फेफाना की और आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं वो मतदान के लिए जो है लाइनों में लगी हुई हैं और उनके हाथ में पहचान पत्र है। दूसरा इसी परिसर में एक मतदान केंद्र और है जहाँ लोग भी वहाँ भी जो है मतदान के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं उनको जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मतदान को लेकर के उनको निर्देश दे रहे हैं कि वो अपना पहचान पत्र है साथ लेके आएं। पुलिस प्रबंध भी यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि अलग अलग जो बटालियन है वो लगी हुई है। मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बेशक आबादी के लिहाज से और मतदाता के लिहाज से ये हनुमानगढ़ ज़िले का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ जो शांतिपूर्ण तरीके से सभी अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके लोग हैं वो आपस में आसपास ही बैठते हैं और किसी तरीके की कोई द्वेष भावना और राजनीतिक रंग है वो इस गांव में नहीं देखा जा सकता। ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग हैं वो यहां जुटे हुए हैं मतदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इतने बड़े गांव में लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान करने के लिए जुट गए हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएँ भी हैं। आप देख रहे हैं कि ये मतदान केंद्र है जहाँ अलग अलग जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके नियमानुसार आप देख रहे हैं कि जो चुनाव जो लड़ रहे हैं इस नौर विधानसभा क्षेत्र के, तो उनके बारे में जो पूरी जो जानकारी है वो इस पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर दी गई है, जिसमें से एक नंबर पे आप देख रहे हैं कि अभिषेक मटोरिया उनका नाम है
और वो भाजपा से प्रत्याशी हैं। दो नंबर पे अमित चचाण हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और मंगेश चौधरी हैं वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो राधे श्याम मेघवाल हैं वो बसपा से प्रत्याशी हैं। जसवंत सिहाग हैं वो भारतवाहिनी पार्टी है उससे उम्मीदवार हैं। मुकेश सांसी हैं वो भी दलित क्रांति दल से चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश सागवान है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रामकिशन भाकर हैं वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और राम स्वरूप हैं वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 9 प्रत्याशी हैं इस 9 विधानसभा क्षेत्र में, जिनकी पूरी जो डिटेल है, पूरी सूची है वो इस मतदान केंद्र के बाहर लगाई गई है, और उनका जो चुनाव निशान है उसके बारे में भी तमाम सारी जानकारी दी गई है। आज हम 9 विधानसभा क्षेत्र के अलावा बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी भी स्थिति दिखाएंगे, और सबसे पहले हमने आपको इस बड़े गांव की तस्वीरें दिखाई जहां इसमें मतदान केंद्र में मौजूद हूं, जहां आज मतदान है वो शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से यहां मतदान है वो चल रहा है। सबसे बड़ा गांव है ये, 10,830 वोट है इस गांव के, मतदाता हैं सबसे बड़ा गांव है ये, तो उसी को लेकर के जो मतदान प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से ये कह सकता हूँ कि चल रही है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।